हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज सेकंड पार्ट हम करेंगे अर्ली इंक्रीमेंट डेवलपमेंट का, जहाँ पे गैस्ट्रुला डॉसेलिप ऑफ गास्ट्रोपोर और न्यूकोप सिंड्रोम की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, और जितने भी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होते हैं वो सब आज हम देखने वाले हैं। पहले हम कल की जो चीज़ें हैं वो एक बार थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम गैस्ट्रुला पे आएंगे। तो कल मैंने समझाया था कि ये होता है एक एनिमल पोल, ये है वेजिटल पोल। यहाँ पे क्या डॉर्सल साइड का फॉर्मेशन होता है जबकि यहाँ पे वेंट्रल साइड का फॉर्मेशन होता है। डॉर्सल साइड कैसे डिसाइड होती है, बीटा कैटिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे बीटा कैटिन नहीं होता है, जिसकी वजह से डॉर्सल साइड का जो फॉर्मेशन है यहाँ पे होता है। और किस एरिया में होता है, जो ग्रे क्रिसेंट वाला एरिया है वहां पे ये पॉसिबल हो पाता है। नाउ अब यहाँ पे क्या हुआ था, उसके बाद में ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन हुआ था और इसीलिए इसको बोल रहे थे ब्लास्टुला वाली स्टेज, ठीक है, ब्लास्टुला वाली स्टेज बोला था। अब क्या बनेगा, अब बनेगा गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में क्या होता है, थोड़ा बेसिक आइडिया देती हूँ। यहाँ पे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होंगे, ठीक है। अब ये जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, तीन जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक होता है मीजोडर्म, एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है एंडोडर्म। अब ये जो मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म में फर्दर क्या करेंगे, ये ऑर्गन में जो भी ऑर्गन का फॉर्मेशन है वो आगे यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो गैस्ट्रा वाली स्टेज है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जिसे कल बताया था, जहाँ पे ये ग्रे क्रिसेंट वाला एरिया होता है, जो डॉर्सल साइड वाला एरिया होता है, यहीं से क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन जो है बिगिन होता है। मतलब इनिशिएट कौन करेगा, यही वाली साइड जो है यहाँ पे इनिशिएट करने वाली है। सो गैस्ट्रुलेशन बिगिन ऑन द फ्यूचर डॉर्सल साइड बिलो द इक्वेटर इन रीजन ऑफ ग्रे क्रिसेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। अब क्या होता है, यहाँ पे अगर हम गैस्ट्रुला की बात करते हैं तो गैस्ट्रुला में दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना होंगे, एक तो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन होगा, एक न्यूकोप सेंटर का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये जो ब्लास्टोपोर है ऑब्वियसली एक पोल लाइक स्ट्रक्चर है, जहां से क्या होगा, जो मूवमेंट है, जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है वो पॉसिबल हो पाएंगे। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है, इन्वेजिनेशन है या फिर कुछ भी जो भी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है, वो इस डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर के थ्रू हेल्प कर पाते हैं। और ये इसी को हम इसलिए ऑर्गेनाइजर बोला जाता है, क्योंकि चीजों को ये ऑर्गेनाइज करता है, अगर ये नहीं होता तो चीजें नहीं बनती हैं। अब यहाँ पे जो सेल जो होती हैं, जो ब्लास्टोपोर लिप का फॉर्मेशन करती हैं या फिर जो सेल्स जो बेसिकली ब्लास्टोपोर लिप को बनाती हैं, उन्हें बॉटल सेल्स बोला जाता है। और यही जो पहली सेल है, दीज आर द फर्स्ट सेल टू अंडरगो द एविडेंट चेंजेस ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन। तो अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग आउट सिग्नल दैट वेदर द गैस्ट्रुलेशन इज अकरिंग और नॉट, तो वो कौन सी होंगी, बॉटल सेल्स यहाँ पे होने वाली है। नाउ ये जो सेल्स हैं नॉर्मली इलोंगेटेड हो जाती हैं, ऐसे कुछ इनका फॉर्मेशन हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाती है एक जगह से और एक जगह से नैरो हो जाएंगी और दूसरा वाला साइड ऐसा हो जाएगा। नाउ दीज वाटर सेल लाइन द आर्केंटेरॉन एज इट फॉर्म्स। सो आर्केंटेरॉन का जो फॉर्मेशन होता है, जो एक नई कैविटी बनती है, उसको भी कौन लाइन करती है, वाटर सेल्स ही लाइन करती हैं। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा स्ट्रक्चर के साथ में, डोंट वरी। इन्वेजिनेशन ऑफ सेल इनिशिएट द आर्केंटेरॉन फॉर्मेशन। देखो ये अगर देखा जाए तो ये वाला एरिया जो होता है ब्लास्टोपोर वाला एरिया होता है, ये वाला ब्लास्टोपोर वाला एरिया होता है, और जो ये जो सेल होती हैं, ये जो होती हैं ब्लास्टो बॉटल नेक सेल्स होती हैं। तो यही जो सेल्स हैं पहली सेल होती हैं जो इन्वेजिनेट करती हैं, और इनका जो शेप है जो चेंज होता है, ठीक है, गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे। तो ये होती हैं बॉटल सेल्स, इनको ध्यान में रखना है। अब क्या पता करा गया कि पूछा गया, मतलब ये एक वाइटल स्टेन के थ्रू ये पता चला कि जो मीजोडर्मल प्रिकॉर्सर्स होते हैं, देखो मीजोडर्म बनानी है हमें, एंडोडर्म बनानी है हमें, एक्टोडर्म बनानी है। अगर ये स्ट्रक्चर है, जैसे ये माना ये एनिमल पोल हो गया है, वेजिटल पोल हो गया है, यहाँ पे जो नीचे की साइड बनती है वो एंडोडर्म फॉर्मेशन होती है, इसके बाद मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है, और लास्ट में ये एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये पता चला कि जो एक होती है सुपरफिशियल लेयर ऑफ सेल्स, सुपरफिशियल मतलब जो ऊपर वाली लेयर्स होती हैं, जो सुपरफिशियली वहाँ पे लाई करती हैं, और एक होती है डीप लेयर सेल जो बिल्कुल अंदर की ओर होंगी। तो ये जो डीप लेयर ऑफ सेल होती हैं, ये तो मीजोडर्म का फॉर्मेशन करती हैं, और ये जो ऊपर वाली सेल होती हैं वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन यहाँ पे करती हैं। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आता है तो ध्यान में रखना है। देखो ये है एक्सटीरियर, मतलब जो हो गया सुपरफिशियल जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस मतलब एक्टोडर्म या फिर एंडोडर्म का फॉर्मेशन यहाँ पे करेंगी। लेकिन अगर हम इंटीरियर या फिर डीप सेल्स की बात करते हैं, डीप लेयर ऑफ सेल्स की बात करते हैं, तो सोमाइट्स बनाएंगी, मीजोडर्म का फॉर्मेशन करती है। बेसिकली जो मीजोडर्म जो चीजें बनाने वाला है, जैसे नोटोकॉर्ड बनाता है, हार्ट बनाता है, ब्लड आइलैंड्स बनाता है, लिटिल ब्लेड मीजोडर्म बनाता है, इनका फॉर्मेशन कौन करती है, तुम्हारा ये करेगा मीजोडर्म वाला एरिया। ओके, अब गैस्ट्रुलेशन में होता क्या है, जैसे मैंने बताया इसमें डायनेमिक मूवमेंट होगा थ्रू द डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, और रीअरेंजमेंट होता है ब्लास्टोमियस का। इसमें तीन प्रोसेसेस काम आती है, पहली होती है इन्वेजिनेशन, सेकंड होती है इन्वॉल्यूशन, और थर्ड होती है एपिबोली। अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे ब्लास्टोपोर लिप का फॉर्मेशन होगा, अब कैसे होगा मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या होता है, ब्लास्टोपोर लिप के थ्रू, जैसे माना, मैं एक बार बेसिक समझा देती हूँ वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग।
देखो ये तीन एरियाज हो गए। यहाँ पे क्या होता है, ये जो वेजिटल पोल वाला एरिया होता है, ये वेजिटल पोल वाला एरिया है, ये डॉर्सल साइड हो गई, ये वेंट्रल साइड हो गई है, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम न्यूकोप सेंटर बोलते हैं। अब न्यूकोप सेंटर क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे बीटा कैटेनिन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है बहुत अच्छी खासी होती है, जिसकी वजह से न्यूकोप सेंटर का फॉर्मेशन होता है। और ये जो वेजिटल सेल है, जो एंडोडर्म वाला पार्ट है, वो क्या सिग्नल देता है, यहाँ पे सिग्नल देता है किसके लिए, बिल्कुल डॉर्सल साइड पे, किसको बनाने के लिए, ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए, जिसे हम बोलते हैं कौन सा, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। ओके, अब ये डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर बना है। ब्लास्टोपोर का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसी ओपनिंग एक होगी, ठीक है। अगर ब्लास्टोपोर से तुम्हें याद आया हो तो मैंने तुम्हें समझाया भी था कि ये जो ब्लास्टोपोर है दो दो चीजों को डिसाइड करता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोटोस्टोम वाला होगा या फिर ड्यूटेरोस्टोम वाला होगा। प्रोटोस्टोम का मतलब क्या होता है, अगर ब्लास्टोपोर की ओपनिंग से अगर पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है तो उसे बोला जाता है प्रोटोस्टोम, अगर उसकी ओपनिंग से पहले एनस का फॉर्मेशन होता है तो ड्यूटेरोस्टोम बोला जाता है, जो एडवांस वाला स्टेज है, एडवांस वाला स्टेज है, तो इसको भी याद रखना है। ओके, अब इसके थ्रू क्या होता है, तीन मूवमेंट होंगे। एक होगा इनवेजिनेशन, जिसे मत बोलते हैं इन, इसे क्या बोलते हैं, एक्टिव इनफोल्डिंग ऑफ अ ब्लास्टोमियास। देखो एक बार, यह है इनवेजिनेशन, मतलब क्या हुआ, पहले सिंपल लेयर थी, उसके बाद क्या हुआ, इनफोल्डिंग हुई, अंदर की ओर जो है चीजें मुड़ने लग गई हैं, ठीक है। तो ये होता है इनवेजिनेशन। सेकेंड आता है इनवॉल्यूशन। इनवॉल्यूशन बेसिकली जो होता है वो इनवॉल्यूटिंग मार्जिनल जोन सेल्स जो होती है उनका यहाँ पे मूवमेंट होता है। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस वेरी इंपॉर्टेंट। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ज होंगे, पहले साथ साथ जुड़ेंगे, उसके बाद क्या होंगी, वो डाइवर्ज हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, अपने अकॉर्डिंग उन्हें कहाँ कहाँ बनना है। तो पहले क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा इनके अंदर, और उसके बाद क्या होगा, मतलब साथ में आएंगी प्रॉपरली साथ में आएंगी, उसके बाद डाइवर्ज हो जाएंगी अपनी अपनी लोकेशन पे। ओके, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये आर्केंटेरोन कैविटी है, ठीक है, आर्केंटेरोन कैविटी है, अगर इनका जो इन्वॉल्यूशन है, अगर इन्वॉल्यूशन जो है रूफ ऑफ द आर्केंटेरोन पे होता है, जैसे माना कि ये रूफ ऑफ आर्केंटेरोन है जो मेसोडर्म वाला पार्ट है, और ये क्या है आर्केंटेरोन का, ये तुम्हारा बेस है, मतलब जो फ्लोर वाला एरिया है और लेटरल वाला एरिया है, तो अगर यहाँ पे इन्वॉल्यूशन होता है तो एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है, और अगर रूफ ऑफ द आर्केंटेरोन पे होता है तो मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है। देखो, the involuted cell into the roof of the archenteron give rise to the mesoderm। अगर वो साइड में जाती है, फ्लोर पे जाती है, तो यह एंडोडर्म का फॉर्मेशन यहाँ पे करती है। उसके बाद आता है एपिवोली वाला फिनोमिना। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये हो गया सेल वाला एरिया, ठीक है, अगर कोई भी सेल इनफोल्डिंग करी और प्रॉपरली देखो ऐसे कवर कर लेती है, पूरे आउटर वाले एयर को पूरा कवर कर लेती है, और किसका फॉर्मेशन कर देती है, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करती है, तो उसे बोला जाता है एपिवोली। तो एपिवोली का फिनोमिना जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। देखो, means growth of one layer cells over the another, सबसे ऊपर over the another तुम्हारा एपिबोली होगा, और इसकी वजह क्या होता है, any pulp pole divide rapidly and move over the macromeres of vegetal pole and this layer forms a ectoderm, और ectoderm का formation जो epiboly phenomena के through देखने को मिलता है। अच्छा एक second, बस एक second, give me a second, I'll check it out whether everything is right or not, yes। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे मूवमेंट हो रहा है। अब हम देखेंगे एक बार कि फिनोमेना कैसे होगा, उसके बाद हम डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और न्यूकोप सेंटर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो तुम्हारा वहां से पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो ये है ब्लास्टुला वाली स्टेज, ये ब्लास्टुला वाली स्टेज है जिसमें ये ब्लास्टोसील कैविटी दिख रही है। अब क्या होता है, यहाँ पे डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन होता है, कौन देता है सिग्नल, न्यूकोप सेंटर देता है, और उसके बाद में ये जो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये मूवमेंट होना स्टार्ट होते हैं, मतलब मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होंगे। कौन कौन से होते हैं, इनवेजिनेशन होता है, इनवॉल्यूशन होता है, और कौन सा होगा, एपिबोली वाला फिनोमेना होगा। ओके, अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लास्टोसील कैविटी है वो तो छोटी होती जाएगी और एक नई कैविटी बनती है जिसे हम बोलते हैं कौन सी कैविटी, इसको बोला जाता है आर्केंटेरोन, ठीक है, आर्केंटेरोन। अब देखो आर्केंटेरोन के जो बिल्कुल रूफ पे है, देखो ये रूफ पे है सारी सेल्स, ये रूफ पे है, जो रूफ पे होगा वो मेसोडर्म बनाएगा, ठीक है, मेसोडर्म बनाएगा, और जो साइड में होगा और बिल्कुल बेस पे होगा तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा एंडोडर्म वाला फिनोमेना, एंडोडर्म वाला फिनोमेना यहाँ पे बनाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आर्केंटेरोन वाली जो कैविटी है वो काफी बड़ी हो जाएगी, काफी बड़ी हो जाएगी, और जो ब्लास्टोसील है बेटा वो छोटी होती जाएगी, और देखो एक्टोडर्म पूरी तरह सब चीजों को क्या कर देगी, यहाँ पे लाइन कर लेगी। अब यहाँ पे क्या होता है, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर होता है, ये रहा डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, जहाँ पे बॉटल नेक सेल्स ऐसी बनी हुई होंगी, ये डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप हो गया है, और उसकी ओपनिंग जो नीचे वाली होती है उसको बोला जाता है, जो नीचे वाला एरिया होता है इसे वेंट्रल ब्लास्टोपोर लिप बोला जाता है, और यहाँ पे एक इसे बोला जाता है लेटरल ब्लास्टोपोर लिप,
लेटरल, तो इनका रोल जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। डॉर्सल ब्लास्ट को लिप याद रखना है क्योंकि इसी की वजह से जो चीजें हैं वो मेसोडर्म बना पाती हैं। ओके, उसके अलावा यहाँ पे एक योक प्लग निकलने लग जाता है। ये वाला जो एरिया है, देखो अगर ये दिख रहा होगा तो ये क्या है, एक योक प्लग का फॉर्मेशन करता है। अब ये योक प्लग क्या होता है, द यूकी मेगामियर्स आर पुश्ड आउट टुवर्ड्स द ब्लास्टोमियर। तो यूकी जो मेगामियर्स होते हैं वो इधर की तरह आते हैं और जो योक प्लग का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देते हैं, योक प्लग का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देंगे। अब अगर देख रहा है तो मिल रहा होगा, तो ये तो आर्केंटेरॉन कैविटी हो गई है और इसको जो लाइन करेगा वो एंडोडर्म होगा। उसके बाद जो सेकंड लेयर बनेगी वो कौन सी बनेगी, मेसोडर्म बनेगी, और सबसे ऊपर वाली लेयर जो बनेगी उसे एक्टोडर्म यहाँ पे बोला जाएगा। और कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है बेटा डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप जो है इसको फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, देखो अब हम बात करते हैं न्यूकोक सेंटर की, कि कैसे ये जो चीजें हैं यहाँ से सिग्नल देती हैं और ये डॉर्सल लिप और ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन होता है। और जो पूरा पूरा भी हमने देखा है जहाँ पे एक्टोडर्म, अगर देखा होगा ये एक्टोडर्म ऊपर वाला लेयर बन गया है, उसके नीचे जो बना है मेसेनकाइम मेसोडर्म बन गया है, और जो गट कैविटी जो आर्केंटेरॉन को जो लाइन करता है उसे हम एंडोडर्म बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल ऑफ द ब्लास्ट लार्वा कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग द ऑर्गेनाइजर, मतलब ये हो गया है एनिमल पोल, ये हो गया है वेजिटल पोल, ये हो गया है वेंट्रल साइड, ये हो गया डॉर्सल साइड में। कल बताया था यहाँ पे ग्रे क्रिसेंट वाला एरिया होता है, और यहाँ पे क्या होता है बीटा कैटेनिन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा मिलती है, जबकि यहाँ पे बीटा कैटेनिन की कॉन्सेंट्रेशन जो है नहीं मिलती है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस बीटा कैटेनिन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से क्या होता है, ये हो गया तुम्हारा एंडोडर्म वाला पार्ट, एंडोडर्म वाला, ये बीच वाला कौन सा हो गया है मेसोडर्म वाला पार्ट हो गया है, ऊपर वाला कौन सा हो गया एक्टोडर्म वाला पार्ट हो गया है। अब ये जो एंडोडर्म है यहाँ पे डॉर्सल मोस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोल रही हूँ मैं, डॉर्सल मोस्ट मतलब ये डॉर्सल साइड वाली जो वेजिटल सेल वाली जो यहाँ पे सेल्स होती हैं, ठीक है, जो सेल्स होती हैं वो एक सिग्नल इंड्यूस करती हैं, सिग्नल भेजती हैं, और किसको भेजती हैं, ये ऊपर वाले एरिया को भेजती हैं टू इंड्यूस द ऑर्गेनाइजर, ठीक है, टू इंड्यूस द ऑर्गेनाइजर कौन भेजती है, ये होती है न्यूकोक सेंटर, ठीक है, न्यूकोक सेंटर होता है जो इन सिग्नल को भेजता है। Now, कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, बीटा कैटेनिन रिस्पॉन्सिबल है। पहले जो बीटा कैटेनिन होती है वो पूरे एरिया में होती है बेटा, इसमें भी होगी इसमें भी होगी, लेकिन बाद में क्या होता है ये बीटा कैटेनिन जो है सिर्फ न्यूकोक सेंटर तक रह जाती है। तो लेटर देखो बीटा कैटेनिन एक्यूमुलेशन अपीयर्स टू बोथ द न्यूकोक सेंटर एंड द ऑर्गेनाइजर रीजन, लेकिन बाद में क्या होगा बीटा कैटेनिन में रिजाइड स्पेसिफिकली इन द न्यूकोक सेंटर। देखो फिगर में देखते हैं कैसे पता चला न्यूकोक सेंटर का, देखो मैं एक बार खुद से बना के दिखाऊंगी और फिगर में देखेंगे। ये है एक्टोडर्म बेटा, ये है तुम्हारा मेसोडर्म और ये है एंडोडर्म। ओके, नाउ अब हमें पता चला कि अगर हमें मेसोडर्म बेसिकली डॉर्सल लिप और ब्लास्टोपोर उसका काम ये होता है कि डॉर्सल लिप मेसोडर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, हमने क्या करा इस मेसोडर्म को यहाँ से हटा दिया, पहले तीनों को काटा, अलग अलग तीनों को काटा और मेसोडर्म को हटा दिया और एक्टोडर्म और एंडोडर्म को साथ में जोड़ दिया है। जैसे ही देखा ये यहाँ पे क्या कर दिया, ये एक्टोडर्म वाला पार्ट हो गया है, ये हो गया है तुम्हारा एंडोडर्म वाला पार्ट, ठीक है, एंडोडर्म वाला पार्ट, और मेसोडर्म वाले पार्ट को यहाँ पे हटा दिया, मेसोडर्म वाले पार्ट को हटा दिया। अब लेकिन देखा कि ये जो एंडोडर्म है जो सिग्नल दे रही है बेटा, ये सिग्नल जो दे रही है वो मेसोडर्म का ही फॉर्मेशन कर रही है, मतलब हमने तो एक्टोडर्म को जोड़ा था साथ में, ये कैसे कर सकती है, ठीक है, हमने एक्टोडर्म को साथ में जोड़ा था। तो एनिमल कैप प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म, मतलब जो एक्टोडर्म बनने वाली थी लेकिन अब क्या बन रही है, वो मेसोडर्म बन रही है। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूकोक सेंटर होता है, अगर दिख रहा हो तो देखो यहाँ पे एक न्यूकोक सेंटर होता है जो मेसोडर्म इंड्यूसिंग सिग्नल को इंड्यूस करता है, मतलब ये जो एंडोडर्म वाला रीजन है, जो वेजिटल पोल वाला रीजन है, ये कुछ सिग्नल को यहाँ पे इंड्यूस करता है। वो सिग्नल कहाँ जाते हैं, डॉर्सल मेसोडर्म इंड्यूसिंग सिग्नल होते हैं जो ऑर्गेनाइजर को डिफाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजर को डिफाइन करते हैं। तो न्यूकोक सेंटर क्या होगा, वेजिटल पोल का डॉर्सल मोस्ट सेल होंगी जो तुम्हारा इंड्यूस करेंगी ऑर्गेनाइजर के फॉर्मेशन को, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। अब आते हैं डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर पे। देखो अगर नॉर्मली भी किसी भी सेल की बात करते हैं तो उनका जो फेट होता है वो अभी नहीं डिटरमाइंड होता है, ठीक है, उसको डिटरमाइंड होने में भी टाइम लगता है, नॉर्मली रेगुलेटिव जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर की बात करते हैं, जिसे हम स्पीमैन ऑर्गेनाइजर भी बोलते हैं, स्पीमैन ऑर्गेनाइजर भी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था, अभी जो ऑर्गेनाइजर होता है जो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है, एक ऐसा तुम्हारा एक स्ट्रक्चर है जो सेल्फ डिफरेंशिएटिंग टिश्यू है, मतलब क्या हुआ है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन शो करता है, मतलब इसके साइटोप्लाज्म में खुद ऐसा चीजें होती हैं जो इसका फेट को डिटरमाइंड कर चुकी हैं, फेट का डिटरमाइंड बद कर चुकी हैं, और उसको कहीं भी तुम डालोगे तो वो वैसा ही रहने वाला है, उसका जो फेट है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैसा शो करता है,
मोज़ेक डेवलपमेंट जो है शो करेगा। तो सेल्फ डिफरेंशिएशन टिश्यू है द डॉर्सल लिप ऑफ द ब्लास्टोमोज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रे क्रिसेंट साइटोप्लाज्म, वेरी भी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है, मतलब खुद चीजों को स्पेसिफाई करेगा, क्योंकि फेट ऑलरेडी डिटरमाइंड है, ठीक है, फेट डिटरमाइंड है, और ये किसी भी कंडीशन में रखोगे तभी भी ये चीजें वही बनाने वाला है, मीजोरम की जो चीजें वही बनाने वाला है नॉर्मली जो वो बनाता है। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो डॉर्सल लिप है उसके टिश्यू को ट्रांसप्लांट कर दिया गया किसी के बेली स्किन में, ठीक है, बेली स्किन में ट्रांसप्लांट कर दिया गया। देखो ये डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है, यहाँ पे उस चीज को क्या कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया। यहाँ पे प्रिज्मेटिक जो एपिडर्मिस थी वहां पे हमने क्या कर दिया है, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर को यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया है। यहाँ पे ऑलरेडी एक और इन्वेजिनेशन हो रखा है, मतलब यहाँ पे डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर यहाँ पे एक ऑलरेडी, और ये ब्लास्टोसील यहाँ पे बनी हुई है। अब हमने देखा कि प्राइमरी इन्वेजिनेशन तो ठीक है वो तो होना ही होना था, लेकिन ये जो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर वाला जो हमने सेल डाली थी उससे सेकेंडरी इन्वेजिनेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो हमें पता चल गया कि कैसे है, सेल्फ डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन जो है शो करते हैं। अब देखो ये क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बनने वाला था, नोटोकॉर्ड बनेगा, सोमाइट्स बनेंगे, न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ल्यूमन ऑफ द गट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इधर साइड भी सेम चीजें जो है उनका फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब इंड्यूस्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे इंड्यूस कर देता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हुआ, यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन वो अटैच्ड कैसे हुए, स्टमक से, यहाँ पे बेली रीजन से जो है अटैच्ड देखने को मिलेंगे। ओके नाउ फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजर, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है याद रखना है, द एबिलिटी टू बिकम अ डॉर्सल मेसोडर्म, प्री कॉडल प्लेट बनाना है, यहाँ पे कॉडल मेसोडर्म बनाना है, जिसे तुम्हारा नोटोकॉर्ड वाला रीजन यही बनाता है, सोमाइट जो होते हैं उनका फॉर्मेशन यही करता है, और जो तो ये चीजें याद रखनी है, और लेटरल मेसोडर्म वेरी इंपॉर्टेंट, डॉर्सलाइज द सराउंडिंग मेसोडर्म इनटू द लेटरल मेसोडर्म, क्योंकि लेटरल मेसोडर्म जो है न्यूरल प्लेट बेसिकली तो मैं जो न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से ही पॉसिबल हो पाता है, तो इसलिए डॉर्सलाइज करता है सराउंडिंग मेसोडर्म को इनटू द लेटरल मेसोडर्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, इट एबिलिटी टू डॉर्सलाइज द एक्टोडर्म इनटू द न्यूरल एक्टोडर्म वेरी इंपॉर्टेंट, द एबिलिटी टू इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ द गैस्ट्रुलेशन, ऑब्वियसली अगर ये नहीं होता, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर नहीं होता, तो मूवमेंट जो है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट जो देखी हमने, इनवेजिनेशन, इनवॉल्यूशन एंड एपिबोली, वो पॉसिबल नहीं हो पाते, तो इनिशिएट करता है, और क्या करता है, न्यूरल प्लेट को, इट एबिलिटी टू कॉज अ न्यूरल प्लेट टू बिकम अ न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन, क्योंकि बाद में न्यूरल ट्यूब ही इसको बनाना है। ये जो एक्सपेरिमेंट करा था, अभी हमें पता चला उस चीज से कि ये क्या कर सकता है, फेट को डिटरमाइन कर सकता है, मतलब टू चेंज द फेट टू फॉर्म अ न्यूरल ट्यूब एंड डॉर्सल मेसोडर्मल टिश्यू। अगर हम इसको कहीं डालते हैं, अगर हम डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर को डालते हैं, तो वो क्या कर सकता है, होस्ट के जो टिश्यूज हैं उनका जो फेट है उसको चेंज कर सकता है, क्योंकि ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन शो करता है। और उसके अलावा ये क्या करता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस और डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस का भी डिटरमिनेशन प्रॉपरली यहाँ से हो जाता है। अभी इसका क्या मतलब है, मैं अभी आगे समझाने वाली हूँ। देखो डॉर्सल लिप सेल इंड्यूस अ डॉर्सल एक्सेस एंड द न्यूरल ट्यूब इज ट्रेडिशनली कॉल्ड अ प्राइमरी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। देखो अब क्या हमने देखा, यहाँ पे हमने देखा कि डॉर्सल हमारा प्रॉपरली बन चुका है, वेंट्रल यहाँ पे प्रॉपरली बन चुका है। अभी जो डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप था, जैसे माना कि ये डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप है, ठीक है, ये डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप है, द मेसोडर्म दैट माइग्रेट फर्स्ट थ्रू द डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप टू गिव राइज टू द एंटीरियर स्ट्रक्चर, ये हो गया डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप, ठीक है। अगर जो भी मेसोडर्म इससे यहाँ से जाती है, इस पर्टिकुलर एरिया से जाती है, मतलब जो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से मूव करती है, माइग्रेट करती है फर्स्ट, तो वो क्या बनाती है, एंटीरियर स्ट्रक्चर बनाती है। ओके अगर यहाँ पे क्या होता है, नीचे की साइड में होता है कौन सा, वेंट्रल लिप, ठीक है, वेंट्रल लिप होता है, और इसकी जो साइड होती है यहाँ पे होता है लेटरल लिप। इनका इतना रोल जो है देखने को नहीं मिलता है। अब जो मेसोडर्म माइग्रेट करती है थ्रू द लेटरल एंड द वेंट्रल लिप्स फ्रॉम द पोस्टीरियर स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार मैं दिखा देती हूँ स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, वरना फिर पूरी तरह याद नहीं होगा तुम लोगों को, समझ नहीं आएगा चीजें, एक बार यहाँ दिखा देती हूँ। देखो ये अगर देखने को मिल रहा हो, ये हो गया डॉर्सल लिप, ये हो गया डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप हो गया है। अगर यहाँ से जो मेसोडर्म, अगर सेल्स जो है फर्स्ट मेसोडर्म अगर यहाँ से जाती है, एंटर करती है, तो वो एंटीरियर एक्सिस बनाती है। लेकिन जो सेल्स यहाँ पे जो वेंट्रल ब्लास्टोपोर लिप है, या फिर ये वाला ऊपर वाला एरिया देखने को मिल रहा होगा, ये कौन सा है, ये है लेटरल ब्लास्टोपोर लिप, तो इन दोनों से अगर जाती है तो क्या बनाती है, पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो याद रखना इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों चीजें जो है तुम्हारी कवर हो जाएगी। एक ओह गॉड, ये क्या हो गया।
तो ये चीजें जो है आपकी कवर हो जाएंगी, आईओपी चीज समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी इशू आता है फिर भी तो हम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ऑब्वियसली मैं देख के आपका जो सोल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर ही देती हूँ। उसके अलावा आज जो हमने पढ़ा है और जो कल हम मैं इसी पर्टिकुलर उस पर क्लास लेने वाली हूँ, क्योंकि पूरा चीजें कम्प्लीट अगर हो जाएंगे तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो कल पढ़ेंगे हम वो जीन्स के बारे में, जो प्रोटीन्स है बेसिकली, प्रोटीन्स का जो रोल है डिटरमाइन करने के लिए एक्टोडर्म एंडोडर्म और मेसोडर्म में, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, और जो भी कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ से बनता है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पूरा चीजें जो है आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी। और अगर कोई भी बच्चा नया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करके दोस्तों के साथ में। जो भी बच्चा इन पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आई थिंक सबके लिए हेल्पफुल है, जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड है या फिर लाइफ साइंस से रिलेटेड है। और ऐसा लेवल है कि यहाँ से तुम्हारा कोई चीज छूटेगा भी नहीं, और बेसिक से चीजें स्टार्ट है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।